हाय गाइस, इस खानी से तो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका भाई ले गया है ये वाली वीडियो की ट्यूटोरियल, टिकटॉक ट्यूटोरियल। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये एडिटिंग, और काफी आसान है ये एडिटिंग। इसके लिए आपको कुछ वीडियोस चाहिए, कुछ इस प्रकार की दो वीडियोस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब वाली वीडियोस है, आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस प्रकार से दो तीन पार्ट शूट कर लेने, जितने भी पार्ट आप शूट करेंगे उतना अच्छा है। तीन पार्ट मैंने शूट किए हुए हैं, तो इस प्रकार से या अपने अंदाज से आप तीन पार्ट शूट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, काइन मास्टर में जाना है और एडिट कर देना है। अब काइन मास्टर में जाने से पहले आपको बता दूं कि जब आप वीडियो शूट करेंगे तो अपना कैमरा स्टडी रखना, ज़्यादा मत हिलाना, ज़्यादा मूवमेंट मत देना अपने कैमरे को, नहीं तो वीडियो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एडिट करनी है वीडियो। तो गाइस, हमने काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब हम चलते हैं 90:60 का रेशियो सेलेक्ट करते हैं और वीडियोस ऐड कर लेते हैं हमने जो शूट किए हैं। तो जल्दी से मैं वीडियोस ऐड कर लेता हूँ। तो तीन वीडियोस मैंने शूट किए हैं, तो सबसे पहले इनके ऑडियोस बंद कर लेता हूँ मैं। ऑडियो बंद करने के बाद हम इसका एक चीज़ इनेबल करेंगे, ये जो कि हमारे वीडियो के लुक में अच्छा लगेगा। ये इस साउंड पर, जिस साउंड पर हमें वीडियो बनानी है, उस साउंड को ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें क्या करना है, तो इसीलिए मैंने साउंड ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आवाज़ कम कर देता हूँ, उसके बाद हम फालतू हिस्सा कट करेंगे। तो इसे ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा फालतू हिस्सा। तो जल्दी जल्दी मैं फालतू हिस्सा कट कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। गाइस, मैंने अब फालतू हिस्से जो थे वो डिलीट कर दिए हैं। अब हमारी वीडियो तैयार है। अब हमें इस पे ग्रीन स्क्रीन वाला वो वीडियो जो मैंने दिखाया था आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था, वो लगाना है। तो ये वो वाला वीडियो है, तो इसको लगाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसे इनेबल करना है और यहाँ से यूँ कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस फैदर को फुल कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद क्रोमा की पे जाना है, इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद इसको फुल साइज़ कर लेना है और इसका थोड़ा सा एंगल वगैरह सही कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने वीडियो इंडोर बनाई है, यानी कमरे के अंदर बनाई है, तो वीडियो कुछ खास अभी लग नहीं रही है। अगर आप यही बाहर बनाएंगे तो काफ़ी कमाल की लगेगी। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर क्लिक करना है वीडियो पे, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद हमें क्रॉपिंग में जाना है, और क्रॉपिंग में जाकर दूसरे साइड का जो विंग था, ये पर थे, उसे ले आना है और एकदम एंड में ले जाके इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे हम अच्छे से अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद ये हमारी वीडियो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। क्योंकि मैंने ये इंडोर बनाई है, इसलिए कुछ खास नहीं लग रही है। उसके बाद इस पर कट का, यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करनी है और ग्रीन स्क्रीन वाली, और सीज़र पर जाना है और यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, उसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। इसको भी हम ट्रिम टू राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाएंगे हम। यहाँ ट्रांजेक्शन मैंने स्पेशल सेलेक्ट किया है इसके लिए, तो वो आपको ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टीम वाला ट्रांजेक्शन है, इसे आप डाउनलोड वाले आइकन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर पे। तो एक सेकंड का मैं लगा देता हूँ, और बाकी का ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट डिलीट कर देंगे हम, ताकि ये वीडियो का लुक ना ख़राब करें। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट एडिट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे साइड वाला जो है विंग सेलेक्ट करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आगे ले जाना है
नेक्स्ट वीडियो पार्ट पर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट पर ले जाने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने ये इंडोर बनाई है तो इतनी खास नहीं बनी है। जब आप बनाएंगे तो आप पर मुझे यकीन है कि आप बहुत अलग वीडियो बना सकते हैं। और उसके बाद फालतू हिस्सा कट करते हैं वीडियो का, ताकि ये हमारी वीडियो का लुक ना खराब करे। और उसके बाद हमें जाना है स्ट्रीम वाला, वही ट्रांजेक्शन लगा देना है, 0.5 सेकंड का इस पे लगा देते हैं हम, बाकी पार्ट डिलीट करते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट रह गया हमारा, तो लास्ट पार्ट पर हम क्या करेंगे, इस पे भी सेम चीज़ करेंगे, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ला कर इसे लगा देंगे, उसके बाद फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर से डुप्लीकेट करेंगे इसे। उसके बाद हम इसको क्रॉपिंग में जाकर फिर से दूसरा साइड इसके सामने लेके आएंगे, उसके बाद इसे भी लगा देंगे हम। तो ये वीडियो तैयार है हमारी, अभी कुछ और काम मैं करूँगा इस पर, वो भी आपको पता चलेगा, तो फिलहाल इसको हम सेव कर लेते हैं। तो वीडियो सेव हो चुकी है गाइस, अब हमें क्या करना है, बैक जाना है, उसके बाद 90:60 का रेशियो सिलेक्ट करना है, मीडिया में जाना है, और ये वीडियो जो अभी सेव किए इसे ऐड कर लेना है, इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ताकि ये जब हम वीडियो एडिट करें तो ऑडियो में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद क्या करना है, अब जहाँ से विंग आएगी, ये जहाँ से विंग आ रही है वहाँ पर हम ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे एक एक सेकेंड पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर। तो मैं वो कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी जगह पर अपने सीज़र पर जाकर ट्रिम करते जाना है, जब तक जो है विंग्स हैं हमारे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जहाँ से विंग्स आई हों वहाँ से हमें यहाँ पे आकर एक ट्रांजेक्शन लगाना है शेक इट नाम का, ये जितनी भी सेकंड का लग रहा है लगा देना, कोई भी एडिट मत करना है इसमें, शेक इट लगा देना आके। ये हो गए, तीन ट्रांजेक्शन लगा दी अभी, अभी एक पार्ट में लगी हैं, आगे और लगाएंगे, अब नेक्स्ट पार्ट में लगाते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट में भी हम सेम चीज करेंगे। उसके बाद ये हो गया, अब आप चाहे तो इसमें और भी क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए अलग अलग फिल्टर लगा सकते हैं इसमें, तो मैं जैसे अभी लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और कोई ग्रीन लगा देता हूँ, या फिर आगे और कोई लगा देता हूँ, तो अलग अलग फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में भी कर सकते हैं आप, जैसे पहले में एक अलग फिल्टर लगा सकते हैं, अगले में अलग लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से आप क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं वीडियो में। मैं थर्ड में भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इंडोर बनाई है तो इतनी खास नहीं बनी है, अगर आप बाहर बनाएंगे अपने हिसाब से एडिट करेंगे तो और भी अच्छी बन सकती है गाइस। तो ये वीडियो तैयार है, फाइनल वीडियो देख कर जाना आप। भाई क्या कर रहा है वहां पे भाई? ओ भाई भाई क्या कर रहा है वहां पे?
ओ भाई। तो होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एडिटिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया हमें कमेंट्स के जरिए बताइए, ताकि हम उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, हमारी वीडियो देखते रहें। बाय बाय।